अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं निदा एंड वेलकम टू माय चैनल ओनली फूडी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम किस तरीके से शिमला मिर्च को जो है प्रिजर्व कर सकते हैं तकरीबन 1 महीने या 40 दिन तक के लिए, किस तरह हम इसको फ्रिज में फ्रेश रख सकते हैं। शिमला मिर्च असल में होता ये है कि हम जो भी खाने में इसको डालते हैं ये बहुत थोड़ा सी यूज़ होती है, यानी कि हम अगर चाउमीन बना रहे हैं तो उसमें भी ये थोड़ी सी यूज़ होगी, स्प्रिंग रोल्स बनाते हैं उसमें भी थोड़ी सी यूज़ होती है, तो बाकी की जो बच गई उसका क्या करें हम। तो और वैसे भी ये मार्केट में अवेलेबल एट टाइम्स अवेलेबल भी नहीं होती, मुश्किल से मिलती है, और दूसरा ये महंगी भी होती है। तो इसको जो है किस तरीके से प्रिजर्व करना है या इसको किस तरीके से रखना है वो मैं आज आपको बताऊंगी कि इसको हम फ्रिज में किस तरह 1 महीने के लिए बिल्कुल फ्रेश रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको डीप फ्रीज़र में रखेंगे तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और आप इसका इसकी फ्रेशनेस का को इन्जॉय नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बिल्कुल आसान सी 2-3 चीज़ें बताऊंगी जिससे शिमला मिर्च जो है वो बिल्कुल फ्रेश रहेगी, और मैं आपको बिल्कुल घर में जो चीज़ें आपकी अवेलेबल हैं वही चीज़ें बताऊंगी, उन्हीं से इसको फ्रेश रखने का तरीका बताऊंगी। आपको मार्केट जाके स्पेशली कोई चीज़ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। मैंने लिए हैं ये 2 अदद, मेरे पास कॉटन के कपड़े हैं, आप चाहें तो रोटियों वाले रुमाल जो आपके पास होते हैं कॉटन के वो भी यूज़ कर सकते हैं, या जो भी आपके पास घर में साफ कॉटन के कपड़े हैं आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 अदद हमें चाहिए होंगे शॉपर्स, जो हम घर में आम यूज़ करते हैं, मतलब शॉपिंग पे हम जाते हैं जो शॉपर्स हमें मिलते हैं जिसमें सब्ज़ी या गोश्त हम लेके आते हैं वही शॉपर्स हमने इसके लिए इस्तेमाल करने हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको किस तरीके से जो है वो रखना। सबसे पहले हम शिमला मिर्च को लेंगे और ये जो कॉटन का कपड़ा है हमारे पास इसको हम इस तरह से पूरा खोलेंगे, इस तरीके से हम इसको बिछा लेंगे और इस पे हम रखेंगे अपनी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को रखने के बाद हम इस तरीके से इसको रैप करेंगे, ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये इसको मैंने पूरे तरीके से रैप किया है, एक साइड को आप इस तरह से बंद करें और एक साइड को इस तरह से बंद करें, यानी कि ये पूरी तरह से बंद हो गई है, इसमें कहीं से भी हवा जाने का कोई चांस नहीं है। अब हम शॉपर लेंगे और शॉपर के अंदर हम शिमला मिर्च को रख के इस तरीके से आपने शॉपर को बंद करना है, इस यहाँ पर हम इसके गिरा लगा देंगे, गिरा लगा के हमने इस तरीके से इसको फ्रिज में रखना है। तो बाकी दूसरी जो शिमला मिर्च है उसको भी हम इसी तरह बंद करेंगे, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से आप कपड़े को पूरे तरीके से खोलें, शिमला मिर्च लें, इसको इस तरह से आप रैप करें, एक साइड को यूं और दूसरी साइड को इस तरह ओवरलैप इसको आप करके शॉपर पकड़ें। आप इसके लिए जिप लॉक जो बैग्स होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं आपको घर में अवेलेबल चीज़ों के साथ ही बताऊंगी, इसके लिए आपको मार्केट जाने की स्पेशली ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इस काम के लिए जिप लॉक बैग्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें कि शिमला मिर्च जो है मैंने इनको बंद कर दिया है और इसी तरह से आप इसको फ्रिज में रखिएगा, और जब आपको इस्तेमाल करनी है इसको निकालें, आपने आधी इस्तेमाल करनी है आधी इस्तेमाल करें और बाकी की आधी इसी तरह ही रैप करके आप वापस फ्रिज में रख दें। तो आप इसको इस तरीके को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने इस तरह से शिमला मिर्च रखी तो आपकी शिमला मिर्च कितने अरसे तक फ्रेश रही। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि हम औरतें किचन में काम करती हैं तो हमें इन चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये टिप ज़रूर शेयर करूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल ओनली फूडी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ या किसी नई टिप के साथ। अल्लाह हाफिज़।